दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद माइंड मैप्स में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। दो पार्ट हम कर चुके हैं, आज बात करेंगे तीसरे पार्ट की। माइंड मैप के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये माइंड मैप है, मैं दिखा देता हूँ आपको सेंटर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी 2021 पार्ट थ्री है, तीसरा पेज। चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं, ताकि जो मोबाइल के व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा साफ दिखाई दे जाए। ठीक, सबसे पहला इसमें राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला इसमें किंग्स इलेवन पंजाब, जानते हैं आप आईपीएल की टीम है। क्या हुआ है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और क्या हो गया है अब ये पंजाब किंग्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैवरिक मसाया। ये जो है बायोग्राफी है किसकी, एन टी रामा राव की। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020, ये किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। किसने दिया है ये, तो यूएनईपी के द्वारा ये दिया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये जो है इनके द्वारा ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेत्र वामन। ये जो है क्या है, कैश्यू का एक ये प्रोडक्ट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसका एक फॉर्म है, तो याद रखिएगा इसको। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको देख लेते हैं। सारा का सारा अपॉइंटमेंट एक जगह है, तो सब कुछ सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पेरेंट नोड आ रही है, उसमें से अपॉइंटमेंट, फिर ये कितने आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं। ठीक, पहला है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी में क्या किया गया है, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है, उषा राव मोनारी जी को। इसके बाद है एआईआर न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में प्रिंसिपल डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, एन वेणुधर रेड्डी जी को। ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया है पहले भारतीय को, फर्स्ट इंडियन, क्या नाम है इनका, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका पुली गुरु वेंकट संजय कुमार, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, कौन से हाई कोर्ट का, सीजेएचसी, मतलब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट, तो मणिपुर का हाई कोर्ट। ठीक, माइंड मैप है इसलिए चीज़ें जो है शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में ही आ जाएगा, तो बार बार जो है आप परेशान नहीं होंगे कि शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ का है उससे। नेक्स्ट है आपका WTO का हेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसे बनाया गया है, नगोजी ओकोंजो इवेला, इवेला को बनाया गया है, ये नाइजीरिया की हैं। इनके में खास ये है, स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वुमेन है इस पद पे, फर्स्ट अफ्रीकन है, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट अफ्रीकन, नाइजीरिया की हैं, जो WTO की हेड बनी है। इसके बाद है आपका स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021, ये किसको दिया गया है, YS जगनमोहन रेड्डी जी को दिया गया है। अब थोड़ा जो है लेफ्ट हैंड साइड के हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि साथ के साथ चलते रहें। एक मिनट, हाँ, तो पहला है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में IPL 2021। एस लिखा यहाँ पे ब्रैकेट में, एस का मतलब है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस बार, वीवो, वीवो करेगा स्पॉन्सर IPL 2021। इसके बाद है आपका पहला फागुन, पहला फागुन स्प्रिंग फेस्टिवल है। पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री का स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, तो बी देश, बी से हो गया आपका बांग्ला, दी से हो गया देश, बी देश, बांग्लादेश का ये फेस्टिवल है पहला फागुन। नेक्स्ट है आपका अमर वशा जो है ये एक तरीके का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। नाम क्या है, अमर भाषा, इसको भाषा कर देना चाहिए था, अमर भाषा, अमर भाषा AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है, तो बांग्लादेश, बी देश से हो गया बांग्लादेश, उसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है ट्रांसलेशन, एज अ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, अमर भाषा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम ऑथर्स की। ये सारे आप बुक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ऑथर, ये सारे नोट्स इसमें से निकले हैं, पेरेंट नोट में से। पहला है इसमें अशोका असूत्रा, ये किसने लिखा है, इरविन एलन सीएली ने। नेक्स्ट जो बुक है आपका द टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये किसने लिखा है, मेघना पंत के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ TV एग्जीक्यूटिव, ये लिखा गया है पीटर मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट जो बुक है उसके ऑथर हैं, बुक का नाम है कमलाज वे, उसके ऑथर हैं डैन मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस
इन जर्नलिज्म 2020 किसको दिया गया है? नाम है इनका रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर, भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर कौन सा है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, ये कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल है, क्या नाम है फेस्टिवल का? कानचोट फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है ये फेस्टिवल? तो जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल रिलेटेड है J&K से। इसके बाद है जीनोम वैली, जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021 किसे दिया गया है ये? तो ये भारत बायोटेक को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं डुबरी और फुलवारी ब्रिज, डुबरी फुलवारी ब्रिज जो है ये किन दो स्टेट्स को जोड़ेगा? यहाँ प्लस का साइन है यानी जोड़ेगा ये, ठीक, प्लस का साइन है, जोड़ेगा किन दो स्टेट्स को जोड़ेगा? तो असम और मेघालय को जोड़ेगा, डुबरी और फुलवारी, ठीक। नेक्स्ट है आपका अस्त्र मार्क टू मिसाइल, इसकी रेंज है 160 किलोमीटर, क्या है ये, कौन सी मिसाइल है ये? तो एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मेंस क्रिकेट टीम, पहली मेंस क्रिकेट टीम जिसने T20 इंटरनेशनल में 100 मैचेस जीत लिए, नाम है उस टीम का पाकिस्तान। पहली मेंस क्रिकेट टीम बनी है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल जीत लिए हैं, T20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2021 कौन मना रहा है ये, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हरियाणा में आयोजित किया गया है, HR से हो गया आपका हरियाणा, ठीक। इसके बाद है WB रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या है? ग्लोबल डेथ रोड एक्सीडेंट, यानी रोड एक्सीडेंट से ग्लोबल डेथ के मामले में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया जो है उसमें 11% जो मौतें हैं टोटल, जो जितने भी वर्ल्ड में ग्लोबली डेथ हो रही हैं रोड एक्सीडेंट से, उनमें 11% सिर्फ इंडिया में हो रही हैं। और ये आप ये साइन देख रहे हैं, इस साइन का मतलब है हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो रही हैं। तो रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं इंडिया में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद है नोडल एजेंसी बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ठीक है, नोडल एजेंसी बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो डील करेगी विद टेलीकॉम फ्रॉड, यानी टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी फ्रॉड होता है तो उससे ये नोडल एजेंसी डील करेगी, जिसका नाम रहेगा डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये शुरू किया है नोडल एजेंसी, नाम है DIC, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं ऊपर, हाँ यहाँ तक हो गया था हमारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड तक। इसके बाद है पायलट पेयजल सर्वेक्षण, ये किसने शुरू किया है? तो बाय महुआ, महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है पायलट पेयजल सर्वेक्षण, ठीक। नेक्स्ट है आपका संदेश, आप जानते हैं संदेश क्या है? व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, और ये कौन बना रहा है? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसे। इसके बाद है आपका पास जवे, यानी वो लोग जो तीसरा हफ्ता, ये हमारा तीसरे हफ्ते का करंट अफेयर्स है 16 से 23 फरवरी तक, तो इस बीच में जो जिनका निधन हुआ है वो देख लेते हैं। M. रमा जॉइस, ये फॉर्मर गवर्नर थे, कहाँ कहाँ के? बिहार के और झारखंड के, दोनों जगह के रह चुके हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। इसके बाद है स्नेकपीडिया, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ऐप? तो केरला ने ये ऐप लॉन्च किया है, स्नेकपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर, पहला क्रिकेट प्लेयर जिसने 200 विकेट लिए, किसके खिलाफ लिए? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्टी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, इसका मतलब है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ अगेंस्ट 200 विकेट्स लिए हैं, तो वो पहला क्रिकेट प्लेयर कौन सा है? रविचंद्रन अश्विन, डन। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर, तो स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर पहला इंडिया का कौन सा है? जैक स्टेरोस्टैट, ये नाम है इसका, जैक स्टेरोस्टैट, और कौन सी कंपनी से बना रही है? जैक, ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत न्यूज़ में था अभी हाल ही में, कार्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कौन से स्टेट में है पूछा जा सकता है? स्टेट का नाम है उड़ीसा में ये है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर फिल्टर, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर फिल्टर कहाँ, ट्रायल कहाँ पे हुआ है इसका? तो चंडीगढ़ में इसका ट्रायल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका माँ स्कीम, कौन से स्टेट की स्कीम है? तो ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है,
क्या होगा इसमें, 5 रुपये में थाली मिलेगी खाने की, 5 रुपीज़ मील, ठीक। वेस्ट बंगाल की स्कीम है माँ स्कीम। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM, कौन मना रहा है इसको, वेस्ट बंगाल, और ये 11वां जो है महोत्सव है यहाँ का, ठीक, 11th महोत्सव है, वेस्ट बंगाल में ये मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट है आपका इंडियन अल्टरनेटिव टू ट्विटर, हमने व्हाट्सएप का देख लिया संदेश, ट्विटर का कौन सा है, इसका नाम है कू, ठीक। अब इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पहला है मांडू उत्सव, मांडू उत्सव जो है 2021 मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में, और इस बार की इसकी थी जो थीम है, टी आप यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट में टी, इसका मतलब है थीम, खोजने में खो जाओ, ये इस बार की इसकी थीम है मांडू महोत्सव 2021 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस, कहाँ आयोजन हुआ इसका, ये हुआ आपका कोलकाता में, और इसकी इस बार की थीम क्या थी, डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव्स, डन। नेक्स्ट है आपका मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड ने क्या किया, ये ऐसी कंपनी बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर लिया है अपने नेटवर्क में, तो आ जाए क्वेश्चन कि किसने अपनी करेंसी में, वो नेटवर्क में क्रिप्टो करेंसी को ऐड किया है, तो नेम आएगा मास्टर कार्ड, याद रखिएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, अभी अभी हुआ है, तो इसमें दो थ्रेड जा रहे हैं, पहले थ्रेड में है मेंस सिंगल टाइटल, किसको मिला है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है आपका वुमेन सिंगल टाइटल, ये किसको मिला है, नाओमी ओसाका, तो याद रखिएगा दोनों नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। इसके बाद है मिशन लाल लकीर, ये कौन से स्टेट का मिशन है, तो पंजाब का ये मिशन है। इसके बाद IPL की हिस्ट्री में अब तक के सबसे महंगे बिके प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बने हैं, क्रिस मॉरिस, और इन्हें किसने खरीदा है, तो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इसके बाद है आपका एक बुक है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये जो बुक है ये किसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ग्लोरियस हिस्ट्री से, तो ये CRPF की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसका एक कैंपेन है, कैंपेन का क्या नाम है, नाम है गो इलेक्ट्रिक, और ये कैंपेन किस लिए है, तो इसका काम है बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक। कैंपेन का नाम याद रखिएगा गो इलेक्ट्रिक, कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूटी, पहला यूटी कौन सा है जिसने लॉन्च किया है कार्बन वॉच ऐप, ये ऐप क्या करेगा, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक, और ये कौन से यूटी ने शुरू किया है, चंडीगढ़ में ये लॉन्च किया गया है इसको। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ बिहार लिखा हुआ है बॉक्स में, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बिहार से रिलेटेड है, पहला है इसमें संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, ये बिहार में शुरू किया गया है, अश्विन पोर्टल भी बिहार में शुरू किया गया है, वंडर ऐप भी कहाँ पे शुरू किया गया है, तो बिहार स्टेट का ऐप है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है, तो ये तीनों जो हैं बिहार से रिलेटेड हैं। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, पहला इंडिया का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, क्या नाम है इसका, सागरिका, कहाँ पर है, कोचिन पोर्ट केरला, डन। इसके बाद है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का इकलौता कौन सा बना है, हैदराबाद, ठीक। इसके बाद है होशंगाबाद, होशंगाबाद को क्या हुआ, नाम चेंज करने की कवायद चल रही है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है ये देख सकते हैं आप MP, उसका नाम कह रहे हैं कि चेंज कर देंगे, तो क्या नाम रखा जाएगा इसका, नर्मदापुरम इसका नाम रखा जाएगा, ठीक। MPPCS अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसको मिला है, नाम है इनका मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पर्यावरण भवन कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये अभी इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर किया गया है, लक्षद्वीप में किया गया है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको किया था, तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन, ठीक। इसके बाद है हुनर हाट, हुनर हाट कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, तो ये प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, होता रहता है हुनर हाट, तो ये इसी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं UK यानी उत्तराखंड, मैंने आपको बताया था लास्ट जो वीडियो किया था कि अगर मैं UK में स्टार लगा दूँ तो समझ जाइए वो UK हो गया यूनाइटेड किंगडम, लेकिन अगर सिर्फ UK लिखा है तो ये हो गया उत्तराखंड, तो याद रखिएगा ऐसे UK यानी उत्तराखंड, इसने पास किया है ऑर्डिनेंस ORD डॉट यानी ऑर्डिनेंस,
क्या है ऑर्डिनेंस, लैंड ओनरशिप राइट्स इन्होंने दिया है डॉटर्स एंड वाइफ्स को, ठीक है। तो इस चीज़ का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, किसके द्वारा किया गया है ये, उत्तराखंड यूके, डन। इसके बाद यहाँ पर हाँ ये मेन नोट है जिसमें लिखा हुआ है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक। देखते हैं क्या क्या किसको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ए के यानी अक्षय कुमार, किसके लिए, लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हाँ एक्टर फीमेल ये मिला है दीपिका पादुकोण को, किसके लिए, छपाक मूवी के लिए। नेक्स्ट है आपका बेस्ट फिल्म, कौन सी फिल्म रही है बेस्ट, तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट है आपका बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ये मिला है पैरासाइट को, इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, इसके लिए किसको अवार्ड दिया गया है, धर्मेंद्र जी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिक बेस्ट एक्टर, वैसे तो मैं इसे ऐड नहीं करता लेकिन SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है रहा है अभी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्रिटिक बेस्ट एक्टर जो है SSR सुशांत सिंह राजपूत, ठीक। अब राइट हैंड साइड के आपके कंप्लीट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में बस एक बचा है आपका इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब मनाया जाता है, 21F यानी 21 फरवरी को मनाया जाता है, एफ से फरवरी। टी यानी थीम इसकी क्या रही है इस बार, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो ये आपका इसका थीम हो गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का। सो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा पेज है फरवरी का यानी थर्ड जो वीक है उसके करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट हुए। अब एक और बचा हुआ है, वो हो सकता है कल करूँ नहीं तो दो तीन दिन बाद आएगा उसका, तो मैं क्या करूँगा, जनवरी का आपका हो चुका है, जनवरी कंप्लीट हो चुका है, फरवरी में बस एक पेज बचा है वो आगे कर लेंगे, दिसंबर का सोच रहा हूँ शुरू करना, ठीक। सारा कुछ जो है माइंड मैप लगभग तैयार हो चुका है मेरा दिसंबर का, लेकिन इसको भी मैं पार्ट में ही करूँगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। तो दिसंबर का शुरू करेंगे कल से। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, चैनल नया है आपके रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोस बनाने का। चैनल ये इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।